हेलो स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून बच्चे आप सभी को जय हिंद हिंद की जय आइए स्वागत है आपका प्रबल एकेडमी पर और बच्चे मैं जितेश पारासर फिजिक्स फैकल्टी मुखर्जी नगर दिल्ली से स्वागत करता हूं आपका प्रबल एकेडमी पर आइए बहुत बढ़िया जितना हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम पहले बच्चों के पास शेयर कीजिए आइए अतुल गुड आफ्टरनून बच्चे पंकज अवधेश सिंह प्रतीक त्यागी जय हिंद की जय आइए खुश रहो बच्चे विजय बाब जितना हो सकता है एक बार मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों के पास शेयर कीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिए और आज का जो टॉपिक होगा जिस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन कराए जाएंगे वो एक पार्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स का जिसे आधुनिक नाभिकीय भौतिकी के नाम से जाना जाता है नाभिकीय भौतिकी हां जी आइए बेटा ओम प्रकाश प्रभाकर बहुत बढ़िया शाबाश एक बार सभी को बच्चे जितने भी ग्रुप्स हैं आपके पास शेयर कीजिए बच्चों के पास और पहुंचाइए और क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे हम उन्हें कन्वर्ट करेंगे आइए बहुत बढ़िया सर क्या ये क्लास लेना जरूरी है क्योंकि मैंने प्रबल पर बैच लिए हैं राजपूत सिंह यह क्लास लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है और मिक्स क्वेश्चन है आपके लिए खुशखबरी की बात यह अगर आप प्रबल एकेडमी के ऐप पे हैं तो आपके लिए बहुत जल्द लॉन्च होने वाला एक फिजिक्स का प्रैक्टिस बैच वाइज यह आपके लिए खुशी की बात है वो तो आपको मिलेगा मिलेगा यहां से लेने में बेटा बेनिफिट ये है अगर सोच के चलिए 40 से 41 क्लास हो चुकी है एक क्लास में 20 से 25 क्वेश्चन होता है आप खुद ही कैलकुलेट कर लो और कहीं कहीं तो ऐसा हुआ फैक्ट्स को अगर इंक्लूड करूं तो 50-60 फैक्ट तक गए हैं अगर आप क्लास वाइज भी इन्हें नोट कर ले तो आपका भला हो जाएगा राजू बाबू बहुत बढ़िया धीरज कुमार सुबेदार रतन सिंह आइए बेटा चलिए स्वागत है आपका और स्टार्टिंग करते हैं इस न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर और बेटा मैं आपको बता देता हूं जो ये न्यूक्लियर फिजिक्स है ये नाभिकीय बहुतकी के नाम से भी जानी जाती है नाभिकीय बहुतकी ये एक फिजिक्स का पार्ट है जिसमें एटम न्यूक्लियाई अणु परमाणु वो कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां से बनते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना बच्चा है देखो सुन लोगे तो उसका भला ना सुनोगे भगवान उसका भला करे आइए बेटा चलिए जी नमस्कार नमस्कार क्वेश्चन फर्स्ट आपके पास स्क्रीन पर कुछ इस अंदाज में व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी कहता है बताइए बंधन ऊर्जा बंधन ऊर्जा वो जी हाइड्रोजन के लिए कितनी होती है वट इज दट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस हाइड्रोजन के लिए बात करें तो उसकी बंधन ऊर्जा कितनी होती है आपके पास ऑप्शन है स्क्रीन पर ए बी सी मतलब जीरो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मोर देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इनफिनिटी अनंत होती है जवाब थारे को देना पड़ेगा बोलो बोलो ऑप्शन ए बी सी या डी क्वेश्चन बेहतर होंगे उनके लिए जो यहां टिके रहेंगे क्लियर है क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में दिखेंगे सिर्फ उनको जो यहां टिके रहेंगे क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया बच्चा आराम से बैठ चुका है बच्चा जवाब लगाता है कोई कहता है बी तो कोई कहता है डी देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं बताइए हाइड्रोजन की बंधन ऊर्जा कितनी होती है बेटा पूछा जाता है क्वेश्चन कई कई बार पूछा गया है जी बिल्कुल प्रभु बेटा खुश रहो विजय भाव राहुल कुमार कहता है बी प्रिंस सिंह कहता है मैं आपके ही क्लास कर रहा हूं बहुत बढ़िया बेटा वेरी गुड थौर विराट आई अवधेश सिंह कहता है डी सत्येंद्र सिंह कहता है बी कोई कहता है इन्फिनिटी होगी और कोई कहता है थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी वैसे मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट जो आंसर है वो थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसने लगाया है उसने बिल्कुल सही आंसर लगाया है याद रखना हाइड्रोजन की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वैसे तो माइनस में रिप्रेजेंट कर देते हैं माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आप ये याद रखोगे क्या आप ये याद रखोगे यस yes, सर बेटा एक बात और बताऊं मैं आपको ऐसा कोई बच्चा जो इसके बारे में नहीं समझता तो बता देता हूं आज की क्लास है आपकी ये क्लास नंबर आई थिंक फोर्टी टू है देखते हैं एक बार हाँ जी बच्चे ये क्लास नंबर 43 आपकी और बेटा एक बात बता देता हूं 43 क्लास है लेक्चर नंबर 43 थ्री है अगर कोई बच्चा इन चीजों को नहीं समझ पाया अब तक भी नहीं समझ पाया है उसे मैं बता देता हूं लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलो क्लास नंबर डालो क्लास नंबर ये फिजिक्स बाई जितेश पारासर सर, सर प्रबल अकेडमी क्लियर है और क्वेश्चन लिखते चले जाओ क्वेश्चन लिखो आंसर डायरेक्ट आंसर लिखो क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर भाई आपको 20 से 25 20 से 25 क्वेश्चन एक एक टॉपिक वाइज भी मिल रहे हैं तो उसमें आप खुद अंदाज कर सकते हो बिल्कुल 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 जरूर जी जरूर क्लियर है बेटा बात समझ आई शाहबास जय हिंद सर ऑफलाइन कब से स्टार्ट कर रहे हो फरवरी में ऑफलाइन की घोषणा कर दी जाएगी बहुत जल्द अगले क्वेश्चन में आपका स्वागत है बताइए रेडियो एक्टिव जी रेडियो एक्टिवता हिंदी में बोलते हैं क्लियर है रेडियो एक्टिवता की जो हाफ लाइफ होती है अर्ध आयु होती है अर्ध आयु जो होती है बेटा बताओ वो अर्ध आयु कैसे डिटरमाइन की जाती है उसके एटॉमिक नंबर से परमाणु संख्या से या फिर उसके मास नंबर से क्लियर है परमाणु भार से या टेम्परेचर उसके ताप से या इनमें से कोई नहीं जवाब तो थारे को देना ही पड़ेगा ए बी सी डी दीपक भारद्वाज खुश रहो बेटा आइए अमन थ्योरी नहीं होती थ्योरी होती है बेटा अमन आपको मैं एक बात बताऊं अगर पूरी कंप्लीट फिजिक्स किसी को चाहिए यहां बच्चा बैठा हुआ है क्लियर है जिसे इसका आभास नहीं है जिसे इसके बारे में नहीं पता है तो उन्हें बता देता हूं जिसे कंप्लीट फिजिक्स चाहिए तो प्रबल एकेडमी के ऐप पर मोबाइल पर ऐप पर आपका बैच चल रहा है ऑलरेडी अभी बैच स्टार्ट हुआ है बिल्कुल जीरो टू टॉप लेवल फिजिक्स कराई जा रही है जीरो टू टॉप लेवल विद नोमेरिकल कॉन्सेप्ट टॉपिक के तुरंत बाद नोमेरिकल प्रैक्टिस सेशन और बहुत जल्द प्रैक्टिस सेट आएगा चैप्टर वाइज सिर्फ उन्हीं के लिए फ्री रहेगा समझ रहे हो उसमें आज एसी स्टार्ट हुई आज एसी स्टार्ट हुई है जी एसी सी और एसी की आज शुरुआत हुई है जल्द से जल्द बैच ले लेंगे बहुत अच्छा रहेगा पेपर से पहले आपका सिलेबस हो जाएगा बिल्कुल बच्चा कहता है कोई कहता ए पे लॉक कर दिया जाए तो कोई कहता है बी पे लोग कर दिया जाए देखते हैं इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा हां जी कुछ बच्चे ने बोला ए कोई कहता है बी तो कोई कहता है सी वैसे हम आपको बता दें इसका जो करेक्ट आंसर जिन्होंने लगाया ए जिन्होंने लगाया ए उनका गलत जवाब है बहुत बढ़िया बच्चा जवाब का इंतजार कर रहा है बहुत अच्छा चलिए जिन्होंने लगाया मास नंबर बिल्कुल गलत आंसर है टेम्परेचर गलत आंसर है ओ जी, सही आंसर है इसका डी नन ऑफ़ दीज इन कोई नहीं हाँ जी बिल्कुल इसका आंसर है बेटा डिके कॉन्स्टेंट याद है एक फॉर्मूला होता है जीरो पॉइंट सिक्स नाइन टू ऐसे करके अपॉन में के याद ना एक के इसे बोलते बेटा डिके कॉन्स्टेंट याद रखना ये बात कर लो नोट कि भाई अर्धायु जो होती है इनमें से किसी पे डिपेंड नहीं करती वो डिपेंड करती है तो सिर्फ और सिर्फ किस पे करती है डिके कॉन्स्टेंट पर डिपेंड करती है डिके कॉन्स्टेंट जिसे डिके कॉन्स्टेंट के कहते हैं सिक्स पॉइंट नाइन टू या नाइन थ्री भी बोल देता कहीं कहीं एक बार हिंदी में क्वेश्चन बोल देता हूं यह ले बेटा राजू क्वेश्चन ये है कि अर्ध आयु कैसे निकाली जाती है किसी भी रेडियो एक्टिवता हिंदी में लिखना रेडियो एक्टिवता पदार्थ की अर्ध आयु कैसे डिटरमाइन करी जाती है कैसे निकाली जाती है किसकी सहायता से निकाली जाती है तो जवाब आप लगा के आओगे डिके कॉन्स्टेंट डस्टेंट अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस अंदाज में बच्चे तैयार हैं क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए और क्वेश्चन हम आपके सामने ये रहा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड गैसेस बिगिन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट लो प्रेशर हिंदी मीडियम इसको लिखेगा कि भाई जो मुझे दे दिया कर ली जिंदगी में मां बाप तो वाह बहुत बढ़िया हाँ जी बेटा बात समझ लिखना गैसेस बिगिन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी गैस गैस विद्युत धारा बनाने लगती हैं जब दाब निम्न होता है जब दाब लो होता है ऐसा क्यों होता है समझे नहीं समझे हिंदी मीडियम फिर सुन लो गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी गैसेस धारा बनाने लगती हैं विद्युत बनाने लगती हैं क्यों कब लो ताप पर पहला क्वेश्चन लो ताप पर बनाती हैं यह बात भी याद रखना हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर लो प्रेशर हाई प्रेशर ऐसे ऑप्शन दे सकता है बनाती हैं लेकिन क्यों बनाती हैं सवाल यह उठता है आइए एट लो प्रेशर लो प्रेशर पर ऐसा होता है कि में प्लाज्मा में गैस प्लाज्मा में बदल जाती है बेटा क्वेश्चन एक से एक बेहतर मिलेगा जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे मजा आएगा आइए जिसको लगता है कि यहां कुछ फायदा है वो टिके वरना जाए कोई फायदा नहीं क्लियर है जिसको लगे कि सिलेक्शन चाहिए वर्दी चाहिए तो आए वरना जयराम जी की चद्दर के सो जाए आइए जी कहता है लो प्रेशर पर वो जी निम्न दाब पर गैस प्लाज्मा में बदल जाती है या कहता कोलाइडिंग एलिमेंट कैन बी एक्वायर जो एलिमेंट आपस में टकराते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वो क्या करते हैं पाथ लीडिंग आयनाइजेशन जिनसे उनका रास्ता आयनीकरण हो जाते हैं उनके एलिमेंट उनके अनु आयनीकरण हो जाते कब जब वो काइनेटिक एनर्जी में आते हैं या फिर तीसरा कारण एटम ब्रेक्स अप इनटू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो एटम है अणु है वो दो हिस्सों में टूट जाता है एक प्रोटॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन या फिर तीसरा द इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन मूव फ्रीली जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव करता है लो ताप पर बेटा जवाब देने के लिए अगर बैठे हो तो जवाब के देखिए कितना बेहतर क्वेश्चन आपको मिलेगा देखते हैं कुछ बच्चे जो जवाब देंगे कुछ ऐसे जो सुनवटे सन्नाटा होते उनका हम कुछ कर नहीं सकते जवाब देंगे तो आपको पता है क्वेश्चन अच्छा है हिंदी मीडियम में मैंने बोला है कि डायरेक्ट वो बच्चा तो देखो लिखना क्या है आंसर की फॉर्म में डायरेक्ट लेकिन मैं आपको बोल देता हूं कि गैस इलेक्ट्रिसिटी बनाने लगती हैं निम्न ताप पर ऐसा क्यों रहा सर क्वेश्चन अच्छा है बहुत बढ़िया और क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ के ऐसा लगेगा हर कोई सही है सर इसका थ्योरी हो गया क्या बेटा थ्योरी तो इसका प्रवल अकेडमी के ऐप पर ही होगा तभी तो बोला है थ्योरी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करने के लिए आपको ऐप ज्वाइन करना पड़ेगा रिस्क ना लें तुम्हारा भला हो जाएगा ये दो हजार रुपए नहीं दुखेंगे बेटा सिलेक्शन मिल गया तो भाई बोलो 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 क्वेश्चन तो अच्छा है आपको भी पता है ये बात हाँ जी वैसे मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर बताने जा रहे हैं हम आपके पास सिर्फ तीस सेकेंड ही बाकी थे और अब वो तीस सेकेंड आप गवा चुके हैं इसका करेक्ट आंसर अब हम बताएंगे बेटा इस क्वेश्चन को दो बार पूछा है दो बार रिपीट किया है और एयर फोर्स इसे रिपीट कर सकता है ऐसी हमें संभावना है याद रखना बेटा जिन्होंने इसका आंसर लगा था कोई कहता है बी होगा कोई कहता है डी होगा बोल दिया गुरुजी बी होगा ठीक है तो तुम भी क्या याद रखोगे हम बी पे ही क्लिक कर देते हैं चलिए बी पे जिस बच्चे ने क्लिक किया उसने बहुत गलत किया हा हा हा, सही किया बिल्कुल सही है बी इज द करेक्ट आंसर बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा भाई क्लास को कोरोना वायरस की वजह से फैला दो चाइना पाकिस्तान तक पहुंच जाए <laughs> शेयर करो वाह प्रभु लव आइए बेटा बेटा आप याद रखोगे अरे तुमसे कोई पूछेगा भाई क्या गैस भी करंट चला सकती है तुम कहोगे ऑफ कोर्स, बिल्कुल चला सकती है अच्छा बताना कब चला सकती है तुम्हारा जवाब आएगा लो टेम्परेचर पर अच्छा हिंदी मीडियम बोलेगा निम्न ताप पर ऐसा क्या हो जाता है लो टेम्परेचर पर कि ये गैसेस करंट चलाने लगती हैं जवाब देके आना लिख लो आंसर में रतन सिंह बिल्कुल सही आंसर आपका कि कोलाइडिंग एलिमेंट जो होते हैं जो टकराते हैं वो एक्वायर कर लेते हैं हाई काइनेटिक एनर्जी टकराने वाले एलिमेंटों की टकराने वाले पदार्थों की गतिज ऊर्जा ज्यादा हो जाती है बढ़ जाती है जिसके कारण जिसके कारण एटम आयनाइजेशन हो जाता आयनीकरण हो जाता आयनीकरण होगा तो वो चलने लगेगा बहने लगेगा बोलो क्वेश्चन अच्छा एक बार लाइक तो कर दो भाई। क्वेश्चन एक एक अच्छा कराएंगे सौ क्लासेस कम से कम कराएंगे हंड्रेड प्लस लेकिन भाई साहब उसके लिए करने के लिए आपको सोच लो अगर आप एक एक क्लास को भी नोट करते जा रहे हो ना आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा वो ही बच्चा जो कंटिन्यूटी में बरकरार है बाकी कुछ ऐसा भी है जिसको ये ही नहीं पता ए ये क्लास भी होती है क्या और फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ ऐसा भी चलिए ये नहीं पता भाई ऐप पे भी क्लास चल रही है असली फिजिक्स तो वहीं कराई जा रही है आइए अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डेविएटेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनमें से कौन सा ऐसा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डेविएट हो जाता है मतलब इनमें से कौन सा ऐसा कण है इनमें से कौन सा ऐसा कण है जो जो डेविएट हो जाता है डेविएट होने का मतलब है जिसका विचलन हो जाता है कब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर विद्युत क्षेत्र में रखने पर ऐसा कौन सा कण है जिसका विचलन हो जाता है ऑप्शन है आपके पास स्क्रीन पर ए बी सी या डी अल्फा गामा एक्स रे या न्यूट्रॉन गुरुजी आप ध्यान नहीं दे रहे हो ठाकुर बेटा ऐसा नहीं है बिल्कुल चलो नाम भी ले हैं। रंजीत कनिष्क हां बेटा कनिष्क कहता गुरुजी ए होगा अंकित पटेल राहुल कुमार शाबाश, क्या बात अजमाई अपने दिमाग की डोरियों को दौड़ाओ बोलो 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 बोलना तो थारे को पड़ेगा बोलिए बोलिए भाई साहब कोई कहता है ए होगा कोई कहता है बी होगा कोई होगा सी प्रिंस सिंह कहता है सर आपका जस्ट इमेजिन वाला कॉन्सेप्ट बड़ा सही है भाई मेरे बिना जस्ट इमेजिन के सब फिजिक्स पढ़ी नहीं जा सकती चलिए बच्चा कहता है ए लगा दिया जाए ठीक है और कोई कोई कहता है सर डी न्यूट्रॉन बिल्कुल 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 बोलिए 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 कोई कहता है गामा रे भाई सी किसी ने नहीं कहा है एक्स रे किसी ने नहीं कहा है बिल्कुल चलिए थौर राहुल केशव रतन सिंह अक्षय शर्मा प्रतीक त्यागी बहुत बढ़िया मैं आपको बता देता हूं कंप्यूटर वहां से जिन्होंने क्वेश्चन नहीं बोला था एक्सरे बिल्कुल सही किया नहीं बोला गलत जवाब था ये गलत जवाब अच्छा तो फिर न्यूट्रॉन जिसने लगाया वो बेवकूफ था हा हा बी बी हाँ, जिसने लगाया वो बच्चा बिल्कुल गलत था क्योंकि सही आंसर था ए वाले का ए अल्फा पार्टिकल अल्फा कण बेटा इसे लिखो हिंदी में और एर कर करके लिख लो अल्फा कण अल्फा कण ऐसे कर करके 20 पॉइंट भी बनाओगे तो पेपर टाइम पे रिवीजन करने में बड़ी सहूलियत होगी आपको सर ये लोगो हटा दिए क्यों बेटा अवनीश कुमार अच्छा ये लोगो दिक्कत देता है लेकिन हम बोल तो रहे हैं, फॉलोइंग इज डेरिवेटेड बाई डेरिवेटेड बाई शिवानश हंस रहे हो जी बिल्कुल कनिष्क कुमार कहता थैंक यू सर बहुत बढ़िया बेटा अल्फा पार्टिकल क्या करता है पहले बताओ अल्फा पार्टिकल कैसे होते हैं गुरुजी पॉजिटिव होते हैं और लिख लो इसके बारे में इस पे चार्ज 3.2 पॉइंट टू इंटू टेन पावर माइनस नाइनटीन कूलाम होता है बेटा इतनी प्यारी प्यारी बातों को भी यहां लिख लो इसके साथ अरे बोलो 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 इतनी बात समझ आई कि नहीं आई आ गई कि नहीं आई बहुत बढ़िया क्योंकि सर दिखता नहीं हम समझ गए थे दिख नहीं रहा चलिए अगला क्वेश्चन आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है सर आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है बिल्कुल मिलेंगे बेटा बिल्कुल मिलेंगे आइए बहुत बच्चे आते हैं मिलने आप भी आना या हम आएंगे अब आने वाले हैं यूपी उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द आइए बेटा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन तो सर सारे ही अच्छे मिलेंगे बसरते कि हमें एक बार आप बता दो फिर जिंदगी में हम वाले नहीं है कहता सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी इज भाई साहब सूर्य पर जो ऊर्जा है उसका सूर्य पर ऊर्जा का स्त्रोत क्या है सूरज पर ऊर्जा का स्त्रोत क्या है यह बात पूछ रहा है मैं दहली में हूं आना बिल्कुल बेटा कहता है बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जलना फिजन रिएक्शन एंड इनवॉलविंग ऑफ हाइड्रोजन फिजन रिएक्शन मतलब उसमें विखंडन क्रिया का होना विखंडन क्रिया का होना या फिर उसमें संलयन का होना संलयन क्रिया का होना या सम अदर सोर्स या कोई अन्य सोर्स है जवाब आपको देना पड़ेगा ए बी सी या डी बोलो 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 हां जी फिजन होता है या फ्यूजन होता है बोलो बच्चे बोलो भाई साहब दो बार रिपीटेड है क्वेश्चन किस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बी और सी की बोलियां लग रही हैं हां जी बोलो 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 इसमें कौन सी चीज इन्वॉल्व होती है वैसे एक बात बताऊं इसमें एक बात बताएं इसका आंसर क्या होगा सर मैं ये टॉपिक अभी नहीं पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं तो कौन सी बड़ी बात है भाई पढ़ोगे हम पढ़ाएंगे लेकिन ऐप पे और नहीं पढ़ा तो देख लो कम से कम क्वेश्चन करने से भी एहसास हो जाएगा बेटा एक बात बताऊं सही मायने में देखा जाए तो इसका आंसर हमें नहीं लगाना चाहिए ए बी में से कोई भी आंसर सही नहीं है ठीक है ये हो नहीं सकता फिजन या फ्यूजन में से मैं एक बात बता देता हूं फिजन नहीं होता है इसके अंदर फ्यूजन होता है सल्यन होता है क्लियर है लेकिन एक बात बताऊं कौन सी रिएक्शन है असली मायने में तो इसकी रिएक्शन है थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन इनवॉल्विंग न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन तो इसलिए इस पर क्लिक करें तो ज्यादा बेस्ट लग रहा है बेटा इस पर क्लिक करें तो ज्यादा बेस्ट लग रहा है समझ रहे हो वैसे सी आंसर भी इसका दे सकते हो लेकिन इसने हाइड्रोजन जो वर्ड बोल दिया ना वो गलत बोल दिया तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन बेटा लिख लो बहुत अच्छी अच्छी डीप में बताओ हाँ जी मैं कोशिश डीप में बताने की कोशिश कर रहे हैं बेटा सुनो ध्यान से एक होता है फिजन प्रोसेस एक होता है फ्यूजन प्रोसेस और फिजन और फ्यूजन को बेटा डीप में तो हम एप में बताते हैं प्रॉपर क्लासेस जो जीरो में होती हैं यहां सिर्फ क्वेश्चन है ठीक है और पढ़ाया भी मैंने फ्यूजन क्या होता है फ्यूजन क्या होता है किससे सुना सुना कर पढ़ाता हूं और अब जो पढ़ाऊंगा उसमें एक अलग अंदाज का किस्सा होगा ऐसा जो कभी तुम भूल ही ना पाओ लिख लो बेटा लिख लो थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन ऊष्मीय नाभिकीय क्रिया ऊष्मीय नाभिकीय क्रिया इसके अंदर होती है इन्वॉल्विंग न्यूक्लियर फ्यूजन Fusion, fusion of and helium, लिखना. Of एनर्जी का समझ रहे हो कौन सा ऐप है सौरभ बेटा प्रबल अकेडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड करना यह वाला लोगो दिखाई देगा जो दिख रहा है वहां से कॉम्बो बैच लेना बहुत बेहतरीन लेवल की फिजिक्स कराई जा रही है ठीक है जी आइए अगला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर मैंने बोला ना बेटा जीरो टू टॉप लेवल लेकर चल रहा हूं कुछ क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे कुछ और बेहतर और, और कुछ बहुत बेहतर आइए ये रहा रदरफोर्ड्स एक्स रे स्कैटरिंग बाई पार्टिकल कंक्लूडिंग दैट जो रदर फोर्ड ने हिंदी मीडियम वाले बेटा के लिए कन्वर्ट कर रहा हूं जो रदर फोर्ड ने जो रदर फोर्ड ने बंबार्डमेंट करी थी बम्बार्डमेंट करी थी क्लियर है एक्सरे पार्ट, एक्सरे स्कैटरिंग बेटा अल्फा अल्फा, अल्फा एक्सरे स्कैटरिंग की चलिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं ये अल्फा पार्टिकल होना चाहिए नहीं एक्सरे है बिल्कुल सही जवाब है और क्वेश्चन भाई साहब एयरफोर्स मेडिकल एग्जाम में बिल्कुल 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 बढ़िया क्वेश्चन है एक्सरे स्केटरिंग की जब बात करी थी कि एक्सरे की स्कैटरिंग होती है ठीक है प्रक्रिया आप जानते हैं स्केटरिंग का प्रोसेस हाँ तो वो क्या कंक्लूड करता उसका क्या निष्कर्ष है क्या निष्कर्ष है जो इस बात ने बोली जब रदरफोर्ड ने एक्सरे की स्कैटरिंग करी थी तो उस पे क्या इलेक्ट्रॉन उन्होंने देखा उन्होंने पाया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस भैया इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों तरफ घूमता है दूसरा इलेक्ट्रॉन आर स्पेस इलेक्ट्रॉन का प्रक्रियन हो जाता है स्कैटरिंग हो जाता है स्पेस में खुले वातावरण में देयर इज हैवी मास बात पता लगी कि भाई साहब सेंटर में कोई ना कोई बाहरी बाहरी तत्व है बाहरी द्रव्यमान है या वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन आर सम सेम मतलब सभी इलेक्ट्रॉनों का वेग समान है क्वेश्चन तो अच्छा है हीट एंड थर्मो जो भूल नहीं पाते हैं सर बिल्कुल बेटा भी तो बहुत कुछ है और यहां जो मैं फिजिक्स करा रहा हूं वो और टॉप लेवल करा रहा हूं ऐसे दिया कि उठाने दो जितना बेहतर लेवल उठाएगा बच्चा 25 में से 25 लगा के आएगा और दावा है चलिए क्वेश्चन का आंसर बताओ कि एक्सरे का जो नियम था रदरफोर्ड का उसका क्या कहना था लिख लिया बेटा लिख भी लिया करो साथ, साथ सिर्फ आंसर बताने से नहीं है इन चीजों को तुम वीडियो को बार बार नहीं देख पाओगे एक बार ही देख लो और साथ साथ में नोट्स बनाओ बोलिए बच्चे हाँ जी बताइए क्या आप तैयार हैं बच्चा कहता है सी और कोई कहता है डी मोस्टली जवाब आता है सर सी पे लगाइए राजू कहता है रतन सिंह कहता है प्रतीक कहता है शिवांश कहता है बहुत बढ़िया सुभांशु कहता है दीक्षित साहब जी बिल्कुल बहुत बढ़िया कोई कहता है सर इसके बी पे मार्क कर दीजिए और कोई कहता है इसके सी पे मार्क कर दीजिए वैसे मैं आपको बता दूं इसका जिसने भी करेक्ट आंसर लगाया है सी सी इज द करेक्ट आंसर उन्होंने ये बताया था कि भाई मेरे एटम के बीचों बीच में एटम के बीचों बीच में जब वो पार्टिकल की बंबार्डमेंट करते हैं तो पता लगी कि एक हैवी 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 न्यूक्लियस होता है जिसका नाम केंद्रक होता है और पता है केंद्रक होता है याद रखना ये बात और ये पॉजिटिव होता है इसके अंदर इसके अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं लिख लो ये बात हैवी होता है कितना हैवी होता है भाई साहब नब्बे परसेंट वजन रखता है एटम का कौन उसका केंद्रक अगर कोई एटम सौ ग्राम का तो भाई साहब नब्बे प्रतिशत तो नब्बे ग्राम तो उसके खुद का अकेले का हैवी न्यूक्लियस का ही होगा केंद्रक का होगा बोलो बात समझ आई नहीं आई क्या तुमने ये नोट कर लिया चलिए आइए क्वेश्चन बदलने जा रहे हैं हम एक ही क्वेश्चन के साथ डायग्राम बना लिया पॉइंट्स को लिख लिया तुमसे बुद्धिमान जीव और कौन हो सकता है चलिए वाह कितनी बेहतरीन बात कहता व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल रेडियो एक्टिविटी प्रारंभिक रेडियो एक्टिविटा का कितना प्रतिशत होगा कहता है सबस्टांस इज लेफ्ट आफ्टर द आफ्टर आफ्ट फाइव आफ हाफ लाइफ फाइव हाफ लाइफ टाइम मतलब कोई एटम की पांच हाफ लाइफ निकल चुकी है पांच हाफ लाइफ तो भाई साहब कितने परसेंट होगा वो ओरिजिनल का कितना होगा बीस परसेंट तीन परसेंट पांच परसेंट या दस परसेंट वाह आ जाओ शेर कर लो इंतजार नगर में ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होंगी बिल्कुल होंगी बस थोड़ा सा छब्बीस जनवरी का इंतजार है छब्बीस जनवरी के बाद माहौल सब सुधर जाएगा बोलो 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 क्या होगा इसका आंसर बोलिए बच्चे शाबाश पांच हाफ लाइफ जा चुकी है उसकी बोलिए बच्चे बहुत बढ़िया कोई कहता है ए होगा अच्छा कोई कहता है ए ही होगा हर कोई कहता है ए होगा राजू प्रतीक प्रभाकर चलिए कंप्यूटर में आसन बच्चों को तीस सेकंड और देखे इस क्वेश्चन की शुरुआत करो आइए स्वागत करते हैं हम आपका चलिए बेटा कहता है फाइव टाइम्स बेटा जब भी हम निकालते हैं हाफ लाइफ तो हाफ लाइफ कहती है टू रेज टू पावर एन और ये एन क्या है ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ है नंबर ऑफ हाफ लाइफ बेटा ये कितना बनेगा दो की पावर पांच बार गया तो बेटा ये दो गुणा में दो गुणा में दो गुणा में दो दो गुना में दो गुना में दो गुना में दो टू इन टू टू दो दुनी चार चार दुनी आठ आठ दुनी सोलह सोलह दुनी बत्तीस कितने का परसेंटेज पूछा है सौ का बेटा एक बार इसे करोगे एक बार इसे कैलकुलेट करके बताना भैया कितना आता है हाँ जी कोई बताएगा हमें बेटा एक बार कोई बच्चे से कैलकुलेट करेगा क्या कि अगर हम सौ को डिवाइड करें बत्तीस से है कोई जो अब इसका आंसर बता पाए भाई मैं थोड़ा सा यार तो मैं समझा ही रहा हूं और ऐसे तो समझा रहा हूं तो थोड़ा सा कैलकुलेटर तो इस्तेमाल कर ही सकते हो बेटा एक बात याद रखना वो तीन बार कहे तुम दो की पावर तीन कर डालोगे गुरु जी आप एक ही क्वेश्चन समझा दो आगे कभी क्वेश्चन आएगा तो उड़ा डालेंगे क्लियर है क्लियर है कितने का सौ का कितने का परसेंटेज पूछा है भाई कर दो अरे सौ को डिवाइड करो बत्तीस से क्या इनके आसपास कोई आता है अब मैं जानना चाहता हूं प्रभाकर ने सबसे पहले आंसर बताया विकास सोलंकी ने कहा बिल्कुल प्रभाकर दीपक भारद्वाज कहता है बी कहता है बी रतन सिंह कहता है बी अवनीश कुमार कहता है ट्वेंटी गलत जवाब बहुत बढ़िया जिन्होंने इसका आंसर बोला बी बिल्कुल सही आंसर है बेटा कितना आ रहा कैलकुलेट कर कोई बताएगा थ्री पॉइंट लगभग एक दो पांच करेक्ट आंसर वाह क्या बात शाबाश आ जाइए क्या तुम अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो अरे क्या तुम अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जी बिल्कुल बिता एक तरह से ये डीपीपी चल रही है आपकी डेली प्रैक्टिस पेपर डीपीपी भी लॉन्च होनी है लेकिन ये देख रहे हो अपने आप में हकीकत में मैं इसलिए करा रहा हूं टाइपिंग करा के बोलो 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 बिल्कुल सही जवाब लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता अगर आपको लग रहा है गुरु जी क्वेश्चनों में थोड़ा बहुत भी मजा आ रहा है हिंदी में लिख लो कोई बेटा अगर ये कहेगा बच्चा कहेगा गुरु जी नहीं लिखा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे हिंदी में लिख लो फिर उसको उसके सही आंसर को लिखो और क्यों उसे लिखो चलिए अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है ये रहा कहता है द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे इज एक्सरे के द्वारा एक्सरे के द्वारा एक्सरे के द्वारा एक्सरे के द्वारा इलेक्ट्रॉन का कौन सा सबसे महत्वपूर्ण गुण है कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन का ध्रुवमान इलेक्ट्रॉन का या रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमना इलेक्ट्रॉन का ये कौन सा गुण ऐसा है एक्सरे प्रोड्यूशन का जब इलेक्ट्रॉन निकलता है एक्सरे से तो कौन सा गुण बताया जाता है उसका आवेश बताता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताता है घूमना बताता है उसका या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है बोलो 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 क्या बात लड़को शाबाश बोलो हाँ जी है कोई बताने वाला कोई कहता है गुरु जी बी होगा अवनीश विकास विष्णु सिंह गणेश कहता है बी होगा अंकित पटेल कहता है सी होगा कोई कहता है बी होगा।, होगा कोई कहता है सी होगा ये ठाकुर कुमार जी कहते हैं ठाकुर साहब आप कह रहे हो डी होगा ये लो ठाकुर साहब आप भी क्या याद रखोगे दुनिया से अलग चल रहे हो आप सूबेदार रतन सिंह भी अलग चल रहा है कह रहा सर जी डी होगा अरे एक्सरे के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन का कौन सा एक्सरे पे जब प्रोडक्शन करता है एक्सरे से प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का तो वो कौन सा मुख्य गुण बताता है उसका बच्चा बी और सी की बोलियां लगाता हुआ खाली दो ही बच्चा था जो ठाकुर और एक कोई सूबेदार रतन सिंह करके ये लगा रहा था पता नहीं डी कहां से ए किसी ने लगाया ही नहीं चलिए जवाब देते कंप्यूटर है जो जो बच्ची ने बोला उसे लॉक कर दिया जाए आ जाओ भाई गुरुदयाल कहता है ए चल भाई गुरुदयाल ने भी बोल दिया ए गुरुदयाल आपका जवाब गलत है गलत है आपका जवाब सवाल उठता है बी और सी में से अच्छा डी की बात कर लेते पहले सूबेदार रतन सिंह और ठाकुर साहब आप क्या कौन सी चक्की का आटा खाते हो आप है ठाकुर साहब बिल्कुल सही जवाब दिया आपने वाह लड़के वाह ठाकुर साहब वाह क्या बात शाबाश ठाकुर ठाकुर साहब ने प्रूफ कर डाला हम ठाकुर हैं करेक्ट आंसर है डी दार रतन सिंह सही जवाब है बेटा आपका डी इज द करेक्ट आंसर ये स्पीड को बताता है एक्सरे ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें जब वो कौन से गुण को बताता है इलेक्ट्रॉन की तो वो स्पीड को बताता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स ऐसे करके लिखना काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी करके लिखना वो इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा को बताता है बहुत बढ़िया दो ही बच्चों को शाबाशी मिलेगी ऐसे करना बेटा ठाकुर साहब और सुबेदार रतन सिंह शाबाश 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 क्या बात बाकी किसी को कुछ नहीं क्या तुम अगले क्वेश्चन के लिए तैयार तो हो बेटा क्वेश्चन नोट कर लिया बेटा क्वेश्चन नोट कर लिया हम्म अरे बोलो 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है कहां सो रहे हो भाई बोलो 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 जी बिल्कुल शिवांश कुमार सोच रहे हो बिल्कुल सही बात अगला क्वेश्चन आपका इंतजार करता है देखते हैं अब विजेता कौन बनेगा अगला क्वेश्चन कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्गली मैच इनमै कौन सा गलत है तो तुम्हें नोट कैसे करना है स्टार बना के तुम्हें नोट करना है इन सब को नोट करना है और पीछे क्लिक कर देना सपोज दैट ये सही है ये सही है ये गलत है ये सही है बस कौन सा गलत है बैरोमीटर दाब को नापता है प्रेशर को लैक्टोमीटर मिल्क दूध को म सुल चार्ज को न्यूक्लियर रिएक्शन इलेक्ट्रॉन को बोलो 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 ए बी सी या डी अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है अरे बोल भी दो ये कोई क्वेश्चन थोड़ी था ये तो थारे साथ मजाक था अरे बोल भी दो बेटा इतना टाइम विकास सोलंकी सबसे पहले आंसर देने वाला लड़का है विकास सोलंकी उसके बाद अंकित पटेल बेटा आपका गलत आंसर है बाकी फिर तो बौछार लगने लगी रीतीश प्रजापत अवनीश प्रतीक तरुण ठाकुर गणेश बिल्कुल ओम प्रकाश प्रतीक थौर 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 बिल्कुल गणेश डी 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 की बोलियां लगने लग रही बिल्कुल सही लग रही है तुमने ये डी गलत है इलेक्ट्रॉन को बेटा है कोई बच्चा जो यहां बता दे कि इलेक्ट्रॉन को किससे नापा जाता है इलेक्ट्रॉन को कैसे नापा जाएगा है कोई बताओगे चलो हम आपको तीस सेकेंड देते हैं और इंतजार करते हैं बताइए इलेक्ट्रॉन को किससे बताया जाता है बोलो 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 अरे मारे ने हमने जो पूछा वो बताओ भाई पहले बिल्कुल इसकी तो बोलियां खत्म हो चुकी हैं आप ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन को किस जब ये गलत है तो भैया मेरे सही बताओ ये भी सही ये भी सही ये भी सही तो ये गलत है तो इसका सही तो बता दो ना बेटा ना इलेक्ट्रॉन वो बेटा करंट होता है दीपक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्कोपी या फिर इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन गन टिश क्या इलेक्ट्रॉन गन गुरुजी मेरा नाम गणेश है गणेश हाँ बेटा गणेश ही है गणेश जी लिंगम गणेश ही बोलेंगे आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताया जाता है ना करंट गलत बात है बोलो बात समझ आई अगले क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा जाता जल्दी जल्दी अरे बताओ 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 द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ सब्सटेंस इज सोलह सो साल एक किसी सब्सटेंस का किसी पदार्थ की अर्ध आयु सोलह सो वर्ष है अरे किसी पदार्थ की अर्ध आयु सोलह सो वर्ष है अच्छा देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विल बी कम्स तो उस उस पदार्थ का अमाउंट जो आएगा मात्रा आएगी इनिशियली वैल्यू चौसठ सालों में आएगी कितने का कितने का चौसठ सालों में आएगी एक बट्टी सोलह का एक बट्टी आठ का एक बट्टी दो का या एक का बहुत बेहतर क्वेश्चन गंगेश बेटा गंगेश हम आपको गणेश ही कह देंगे तो कौन सी बुराई है गनगेश कैलाश स्वामी विकास सोलंकी बताओ अरे बोलो बोलो बोलो, चौसठ सौ साल बाद वो आता आता है तो कितनी बात कितनी साल बाद वो लौट करके आएगा अमाउंट लेफ्ट आफ्टर अमाउंट लेफ्ट आफ्टर कोई बच्चा कहता है, ए कोई कहता भी क्या हम इसे बताएं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है राहुल कुमार इंतजार कर रही हो क्वेश्चन का अरे गुरुजी एक बार करा दो फिर उड़ा डालेंगे कैसा भी क्वेश्चन हो आकाश आओ बेटा मौर्यवंशी अमाउंट लेफ्ट आफ्टर पूछा तुमसे अरे मुझे एक बात बताओ अमाउंट लेफ्ट आफ्टर अमाउंट लेफ्ट आफ्टर पहले भैया मुझे एक बात बता दो सुनो सुनो ये जो चौसठ साल है चौसठ सो वर्ष जो है इसका कितना हाफ लाइफ बनेगा सोलह सालों में चौसठ का सोलह वर्षों में कितना हाफ लाइफ बनेगा सोलह चौका चौसठ सोलह सो डिवाइड बाई सोलह चौका चौसठ चार हाफ लाइफ फोर हाफ लाइफ बात समझ आई नहीं आई और अमाउंट जब लेफ्ट पो कराने की पूछ रहा ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए तो वो होता वन अपॉन टू की पावर एन और ये एन क्या है ये एन होती है बेटा हाफ लाइफ एन क्या होती है ये एन का ही मान होता है ये वाला ये एन का मान है क्लियर है जी तो बता दो अब अब तुम्हें क्या बताने में कोई दिक्कत है क्या वन अपॉन टू की पावर सर जी सोलह सॉरी सोलह नहीं चार दो गुना में दो गुना में दो गुना में दो बोलो बेटा एक बट्टे सोलह बिल्कुल सही आंसर है इसका ए दिखाई दे रहा है बिल्कुल नोट करिए जल्दी से क्वेश्चन समझ आया क्या कहता था कि भाई सोलह सो उसकी एक अमाउंट की हाफ लाइफ पीरियड एक हाफ लाइफ पीरियड सोलह सो साल है तो वो अमाउंट इनिशियली कब बैक होगा अमाउंट लेफ्ट आफ्टर चौसठ सो साल बाद तो चौंसठ का और एक हाफ लाइफ कितने की इक्वल है सोलह सो चौसठ तो सौ की कितनी बनेगी चार हाफ लाइफ अमाउंट लेफ्ट आफ्टर कैसे निकाला जाता एक है एक बटे दो ये फॉर्मूला है एक बटे दो की पावर एन राकेश कुमार बेटा ऐप पर आज ईएमआई और एसी स्टार्ट हुई है ईएमआई एंड एसी की स्टार्टिंग हुई आज बहुत बेहतर भी मैं। बोलो 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 क्या तुम समझ पाए अगला क्वेश्चन आपका इंतजार करता है शाबाश क्या बात नोट कर लिया था बच्चों ने भाई साहब विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन गॉट द नोबल प्राइज इन फिजिक्स कौन ऐसा है जिसे फिजिक्स में नोबल प्राइज मिला था ए ही है गुरुजी हमने आपसे कहा तो था विष्णु सिंह जी हमने आपकी बात मान तो ली चलिए अरे बोलो बोलो कौन है भाई इंडियन साइंटिस्ट बता दो भाई अरे बोल भी दो भाई साहब कलाम साहब हैं रमन साहब हैं सैन साहब हैं खुरैना साहब हैं बोलो 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 नोबल प्राइज किसको मिला है बच्चा बच्चा जानता होगा एलकेजी में पढ़ाया था बोलो 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 एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला आपके पास मैं उम्मीद करता हूं मैं उम्मीद करता हूं उस क्वेश्चन को हर बच्चा बताने की कोशिश करेगा एक वक्त था बेटा जब मैंने ये क्वेश्चन भी बताया था अरे सीवी रमन दुनिया जानती है भाई साहब बिल्कुल सही आंसर है गुरुजी क्वेश्चन तो अगला है बताओ बेटा ये वक्त था फ्री क्लासेस में ही हमने करा डाला था ये फ्री क्लासेज में आए? ये कौन सा क्वेश्चन था भाई चलो पहले से ये ये कराते हैं, हाँ कहता है रिसेंटली सम पार्टिकल हैव बीन डिस्कवर्ड अभी हाल ही में लिखो बेटा हिंदी मीडियम लिखो हाल ही में एक ऐसे कण की खोज हुई है हाल ही में एक ऐसे कण की खोज हुई है जो ट्रेवल मोर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट वाह गुरुजी वाह मतलब ऐसे एक कण की खोज हो गई है जो सी की रफ्तार से भी ज्यादा स्पीड से भागेगा सी से भी मतलब थ्री इंटू टेन डेज टू पावर एट मीटर पर सेकंड से भी भाई साहब स्पीड ऑफ लाइट से तेज भी भागेगा यह बात भी हमने आपको बताई थी इन क्लासेस में नहीं लेकिन एक बार फ्री क्लास चल रही थी तब बताई थी मुझे याद है हिंदी क्लास कब लगेगी हिंदी आकाश बेटा हिंदी पढ़ रहे हो यहां ये और क्या उर्दू फारसी चल रही थी अभी तक हम जो समझा रहे हैं बेटा ये है, हिंदी में ही बता रहे हैं अगर इससे ज्यादा हिंदी की उम्मीद कर रहे हो तो इंग्लिश में जो पेपर दोगे वो और जो फेज टू दे रहे हो उसकी उम्मीद छोड़ देना फिर आप हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं बोल रहा हूं जबकि कौन सा कण बच्चा लिख रहा है बैठा बैठा और बहुत सारा बच्चा साथ साथ लिखता है कौन सा कण ऐसा है जो हाल ही में जिसकी खोज हुई है जिसकी चाल स्पीड ऑफ लाइट से प्रकाश की चाल से तेज है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन या टाइकॉन कलाकार तो तुम हो दिमाग तो तुम लगा गए वाह गुरुजी ये हो नहीं सकता मैंने पूछा ऐसा क्यों? कह गुरुजी ये तो बहुत पहले सुनते आ रहे <laughs> मैंने कहा न्यूट्रॉन ये हो नहीं सकता मैंने कहा क्यों गुरुजी? पता है ना न्यूट्रॉन होता तो आपने वर्ड बोला था हाल ही में अब हाल ही के बाद तो हमें पता नहीं होती तो गुरुजी बिल्कुल सही जवाब है टैक्यन ताक्यान, ताक्यान, ताक्यान की स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन से तेज फेज टू क्या होता है राजू बाबू बोल रहे हैं बेटा जीडी होता है जीडी। ग्रुप डिस्कशन इंग्लिश में होता है बाहर कर देते हैं वहां जो बिल्कुल ठाट हिंदी बोले चल भैया थोड़ा बहुत वर्ड्स पता होने चाहिए क्लियर है मैग्नेट को मैग्नेटिक कंपास बोलना वहां कहीं कहीं चुंबक दिशा सूचक है जी ये तो <laughs> समझ रहे हो हाँ सीखना पड़ेगा अब हम तुम्हारे सारे तुम हमारे सारे सीख जाओगे तो क्या बुरा है बहुत बच्चा बैठा हुआ है हिंदी मीडियम का उसे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही तो सब समझ आ रहा है हाँ जी कह रहा गुरु जी आपसे ही सीख लिया है ना बहुत बच्चा चलिए अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है बोलो 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 एन एलिमेंट न्यूक्लियाई आर कंटिन्यूअसली डिके इज कॉल्ड कौन सा ऐसा एलिमेंट है अरे कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कंटिन्यूसली लगातार डिके 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 होता ही जाता है डिके लगातार होता जा रहा है लेट्स एल्कलाइट्स उसके बाद ट्रांजिशनल या रेडियो एक्टिव ये एलिमेंट्स के नाम है लेंथेनाइड बेटा हिंदी में ऐसे लिखेगा सर इन का स्पेस चलेगा नो दिक्कत कोई दिक्कत नहीं राम राम बेटा निर्भय टकियॉन के बारे में बताएं रतन सिंह वक्त आएगा जब टॉकियॉन के बारे में बताऊंगा जब इलेवेंथ क्लास का पार्ट जैसे ही स्टार्ट करूंगा ई और एसी के साथ अरे बोलो 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 है कोई जो इसका सही आंसर देगा बोलिए बच्चे प्रतीक जी कहते हैं सर डी होगा कैलाश स्वामी कहता है डी होगा वैसे मैं आपको बता दूं जिन जिन बच्चों ने डी बोला है वो बिल्कुल ही सही बोल रहे हैं क्यों भाई साहब रेडियो एक्टिव एलिमेंट का ही डिके होता है डिके जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिके होता है ओ जी क्लियर है यस सर यानी देख तुम बोलोगे नो सर क्लियर है आइए अगला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर कुछ इस अंदाज में कहता है एन आई इज प्रोड्यूस्ड इन आइसो बार संभारिक वो जी संभारिक पैदा होते हैं बीटा के निकलने से बीटा के इमीशन से अल्फा के इमीशन से प्रोटॉन के इमिशन से या ड्यूट्रॉन के इमीशन से ड्यूट्रॉन निकलने पर प्रोटॉन निकलने पर अल्फा निकलने पर या बीटा निकलने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो लाइक तो ठोकते चलो लाइक जरूर करते चलो बैठे बैठे लाइक तो कर ही सकते हो ना आइए 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 आपका स्वागत है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पर आइसोबार बार बेटा बार उन्हें कहते हैं जिनके एटोमिक एटोमिक मास सेम होते हैं वो कौन सी चीज से प्रोड्यूस होते हैं बताओ कब प्रोड्यूस उनसे प्रोड्यूस होगा इस उबार से वो क्या पैदा होगा अल्फा बीटा प्रोटॉन या ड्यूट्रॉन हाँ जी बोलो 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 बी कोई कहता है बी कोई कहता है ए हाँ जी हाँ जी हाँ जी हां जी बोलो 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 है कोई और डी की बोलिया कोई लगाता नहीं है अमित बेनीवाल आकाश अक्षय विष्णु सिंह चलिए हम बताते हैं आपको ये हो नहीं सकता ऐसा हो नहीं सकता अल्फा हो नहीं सकता सही आंसर होगा बीटा बीटा का एमिशन होता बेटा आईसो बार से याद रखना ये बात नहीं बेटा अमन ओनली फिजिक्स नहीं मिलेगी ओनली फिजिक्स भी बहुत जल्द लॉन्च होगा लेकिन अभी कुछ फिक्स डेट नहीं है चलिए अगला क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा साथ निभाया और साथ साथ आप रहे बस 10 से 15 मिनट की बात और आपके पांच से छह क्वेश्चन हो जाएंगे और आपका भला हो जाएगा पांच से छह क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं बेटा चलिए आइए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्या कहता है रेट ऑफ रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज प्रोपोर्शनल रेट ऑफ रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज क्या अच्छा बता देता हूं विद्युत हाँ जी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की बात कर रहा हूं बेटा देखो विद्युत प्रकाश ये इमिशन की जो प्रोपोर्शनल टू किसके समानुपाती होता है मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन का निकलना मतलब प्रकाश के द्वारा इलेक्ट्रॉन का निकलना किसके समानुपाती है मतलब इलेक्ट्रॉन कब निकलेंगे लाइट से ज्यादा कब इन चार में से एक चीज होगी ऐसी मतलब प्रोपोर्शनल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कब हो ज्यादा होगा जब इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ज्यादा हो मतलब तीव्रता ज्यादा होगी उस प्रकाश की इंसिडेंट आने वाली प्रकाश की आवृत्ति ज्यादा होगी या सुकेयर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी इंटेंसिटी का वर्ग टाइम होगा या सुर ऑफ फ्रीक्वेंसी रेडिएशन मतलब वो आवृत्ति का सुकेर टाइम्स होगा ए बी सी या डी आपको पता है ना जब भी कोई लाइट आती है और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं यहां से इसे ही बोलते हैं प्रकाश की वजह से इलेक्ट्रॉन के निकलने को बोलते हैं फोटो और ये ये जो है ये किसकी वजह से होगा क्या चीज पर डिपेंड करता है प्रकाश हाँ, प्रकाश उत्सर्जक नहीं होता बेटा विद्युत प्रकाश प्रभाव बोलते हैं से बोलो क्या आंसर होगा इसका किस पे डिपेंड करेगी कोई बच्चा बोलता है इसका आंसर बी होगा और कोई कहता है डी होगा कोई कहता है डी कोई कहता है बी बोलो बोलो बेटा जवाब दीजिए जवाब दीजिए रुकना नहीं है जवाब देना है शाबाश चलिए शाबाश जवाब दीजिए बेटा चार चार पांच क्वेश्चन हो रहे हैं बेटा आइए करेक्ट आंसर इसका होगा इंटेंसिटी गलत जवाब दिया सबने बेटा इंटेंसिटी याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट तो ल, लिखो हिंदी मीडियम इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे ये बात तय करता है कौन उस प्रकाश की तीव्रता प्रकाश की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन निकलने का जो रेट रहेगा वो उतना ही ज्यादा होगा बात क्लियर है सुबह so, से क्लास ले, लेते हैं लगातार लेते हैं मैं समझ सकता हूं आपकी बातें बस आपको पांच से दस मिनट का और सहयोग चाहिए सर आप मुझे <laughs> गणेश गणेशा कह रहा है गन गन गणेशा कह रहा है सर नाराज हो गए नहीं भाई हम आपको गणेशा ही कहेंगे असली उच्चारण हो जाता भगवान का बाई फ्रिक्वेंसी नहीं होगा इंटेंसिटी लिख लो तीव्रता जितनी ज्यादा होगी इंटेंसिटी निकलने की उतनी ही ज्यादा होगी अगला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर वाह बेटा क्वेश्चन एक से एक अच्छा मिलेगा आपको हिंदी में सिर्फ क्वेश्चन को नोट करना और फिर उसके आंसर को सिर्फ कहता फॉर फोटो इलेक्ट्रिक मिशन टेक्स प्लीज बताओ यह विद्युत प्रकाशीय प्रभाव कहां होता है विद्युत प्रकाशीय प्रभाव कहां होता है प्रकाश की वजह से इलेक्ट्रॉन का निकलना विद्युत का निकलना यह कहां होता है कहां होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन शुड बी लेस देन थ्रेश होल्ड क्लियर है थ्रेस होल्ड से थ्रेश होल्ड से कम होनी चाहिए उसकी आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट आने वाली करण की तीव्रता जो है वो आवृत्ति है वो कोई भी वैल्यू रख सकती है जरूरी नहीं या फिर उसका वेवलेंथ जो होता है लेमड़ा लैमड़ा जिसे तरंग धैर्य कहते हैं वो कम होना चाहिए थ्रेस से क्लियर है होल्ड होता है लेमड़ा नॉट क्लियर और ये होता है लेमड़ा या वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एनी वैल्यू मतलब लैमरा कोई भी वैल्यू रख सकती है यहां कह रहा फ्रिक्वेंसी कोई भी वैल्यू रख सकती है क्लियर है बताइए इसका आंसर क्या होगा ये फोटो इलेक्ट्रिक होता है ऐसे करके लिख लेना बस और फिर उसका आंसर लिखना बता देता हूं बेटा हाँ जी आइए करेक्ट आंसर बेटा इसका सी लिख लो बेहतरीन बात है थ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन आने वाली किरण का आने वाली किरण किरण का तरंग धैर्य तरंग धैर्य कम होना चाहिए कम होना चाहिए थ्रेसोल्ड तरंग धैर्य से थ्रेसोल्ड वेवलैंथ से कम होना चाहिए आने वाली रे का लेमड़ा कम होना चाहिए याद रखना इस बात को क्लियर है बहुत बढ़िया वेरी गुड चलिए कुछ ऐसे हैं जो मैदान जंग छोड़ करके चले गए कुछ ऐसे हैं जो बरकरार हैं सात से आठ मिनट की बात और आपका देखते हैं कितने क्वेश्चन और आइए बेटा अगला क्वेश्चन बताइए इलेक्ट्रॉन इमिट्स एनर्जी व्हेन शिफ्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं जब वो परिवर्तित किए जाते हैं शिफ्ट किए जाते हैं कहां से कहां मतलब इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा निकलेगी वो इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा कहां निकलेगी वो कहां से कहां शिफ्ट किए जाते हैं क्लियर है लिख लिया हिंदी मीडियम ठीक है यस सर यस सर कम होना चाहिए बेटा विष्णु ये सारी बातें मैं लेक्चर में एक्सप्लेन करता हूं आपको सिर्फ ऑप्शन देखने की जरूरत थी नरेश कुमार जय हो जय हो बिल्कुल प्रतीक त्यागी जय हिंद, हिंद की जय बताइए इसका आंसर क्या था चालीस से पचास बच्चा था हाँ ये आइए अभी बस थोड़ी देर की बात और अच्छा रेस्पॉन्स रहा आपका लाइक करते चलिए बताइए क्या होता है जब वो लोअर ऑर्बिट से हायर में जाएगा भाई ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन कब ऊर्जा निकालेगा जब लोअर से हायर में जाएगा नोट करना आंसर बताने के बाद या वो हायर से लोअर में आएगा या दोनों केसों में या तीसरा चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज इन में से कोई वो नहीं सकता जवाब तो थारे को देना ही पड़ेगा ए बी सी या डी देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर आता है जवाब दीजिए ए बी सी या डी बोलो 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 बहुत बढ़िया बात बस तीन क्वेश्चन और आपके पास सूबेदार रतन सिंह राहुल कुमार करेक्ट आंसर इसका होगा बी बी इज द करेक्ट आंसर जिस बच्चे ने बोला हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट ओ जी हायर से लोअर में आना चाहिए बेटा लोअर से हायर में नहीं होता हायर से लोअर में अब लिख लो बना के सर जब भी हायर से लोअर में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ऊर्जा मतलब एक तरह से ऊर्जा का उत्सर्जित करेगा उत्सर्जन करेगा लिख लो डायग्राम बना के लिख लो कभी नहीं भूल भूलोगे अक्षय शर्मा गणेश प्रतीक त्यागी विष्णु बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जाता कुछ इस अंदाज में ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछेंगे हम तुमसे टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे चलिए अगला क्वेश्चन है क्वांटम थ्योरी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कॉन्सेप्ट किसने दी कहता क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट गिवन कॉन्सेप्ट ऑफ जो क्वांटम सिद्धांत था लाइट का लाइट का प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है वो किसके बारे में बताता है है ना बढ़िया क्वेश्चन क्वांटम सिद्धांत प्रकाश का किसके बारे में बताता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पॉजिट्रॉन या न्यूट्रॉन बोलो 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 ए बी सी या डी अंकित पटेल आया वो क्वेश्चन बेटा पूछ सकता है बोलिए बच्चे क्या होगा इसका आंसर क्वांटम थ्योरी प्रकाश की क्वांटम थ्योरी किस कॉन्सेप्ट के बारे में बताती है आपको पता है बी होगा गुरु जी आपकी कृपा से वाह लड़का पढ़ रखा है इसका मतलब जब बोल रहा है आपकी कृपा से ओ हो समझ गए बेटे तुम बोल रहे होंगे फोटोन वो जी फोटोन फोटोन की फॉर्म आती है फोटोन पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन, फोटोन क्लियर है फोटोन याद है ना फोटोन फोटोन फोटौन, इलेक्ट्रॉन फोटोन पॉजिट्रॉन तो फोटॉन्स की फॉर्म आती है और हर कोई फोटोन अपने साथ एनर्जी लेके आता है और जब वो फोटोन एनर्जी लेके आता, तो e ले आता है तो ई इज इक्वल टू एच न्यू एनर्जी लेके आता है इन फोटोन का नाम होता है क्वांटा हो जी क्वांटा भी नहीं कहते हैं बोलो बात समझ आई नहीं आई आखिरी क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर कुछ इस अंदाज में पहले एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई लाइक कर दो चलिए आने दो लाइक जो बच्चा देख रहा है एक दो लाइक और दीजिए अब तुम सोच रहे हो गुरु जी एक से ज्यादा थोड़ी दे सकते हैं <laughs> बहुत बढ़िया शाबाश आखरी क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है सागर प्रजापत बिल्कुल बेटा बेटा आप सब बच्चों ने बड़ा सहयोग दिया अच्छा लगा अगर आप ऐसे टॉपिक बना बना कर भी पढ़ रहे हो तो यह बहुत अच्छी बात है हकीकत में देखा जाए तो आपको एक डेली प्रैक्टिस कराई जाती है मिक्स की। की कभी-कभी एक पर्टिकुलर टॉपिक और इस टॉपिक की हेल्प से आज जो मैंने क्वेश्चन 20 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं इन 20 क्वेश्चनों को तुम कभी भूल नहीं पाओगे एक बार लिख डालो क्लास नंबर 43 फिजिक्स बाय जितेश पारा सर सर उसके बाद डमी और लिख डालो कि ये ये चीज पढ़ी है बात समझ आई नहीं आई और ये तुम्हें तो पता है होगा क्या। जिस दिन सौ पन्ने बनेंगे सौ पेज उस दिन आप ढाई घंटे में बैठ के ढाई घंटे में बैठ के ढाई महीने की मेहनत को ढाई घंटे में पूरा कर डालोगे बस लिख लिख के वीडियो देखने कभी जरूरत नहीं पड़ेगी इसीलिए बोलता हूं साथ ठीक है हाँ बिल्कुल इनफ है बस एक क्वेश्चन और आखिरी आपके सामने है बताइए बेटा सर साथ साथ नोट्स बना रहे हो बेटा ये बहुत बढ़िया कर रहे हो हां बेटा विष्णु डेली क्लास लगती है ये इस क्लास की टाइमिंग बारह पैंतालीस से टू पीएम होती है बेटा डेली आइए बहुत बढ़िया बात कहता है विच क्वांटिटी इज एक्सप्रेस एज एन एच ओवर टू पाई कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो इस संबंध को दिखाती है कौन सी राशि ऐसी है जो इस संबंध को दिखाती है लीनियर मोमेंटम मतलब संवेग एंगुलर मोमेंटम मतलब आ, मतलब घूर्णन संगे संवेग मतलब बोल सकते हो आप एनर्जी ऊर्जा क्लियर है बात समझ आई या एंगुलर वेलोस्टी एंगुलर वेलोस्टी कोणीय संवेग या फिर कोणीय लिख लो अगर लिखना चाहो तो वैसे बोल लेता हूं कौन संवेग ऊर्जा या कौन वेग बोलो बेटा बोलो कौन सी चीज है ये रिप्रेजेंट करती है बोलो एन एच ओवर टू पाई बहुत बढ़िया श्यावास अच्छा लगा आपसे मिलकर करेक्ट आंसर जिन बच्चों ने दिया बी बी इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही आंसर है बेटा आपका बी इज द करेक्ट आंसर बी बिल्कुल सही आंसर है आपका बात समझ आई बेटा एक आखिरी क्वेश्चन और लिख लो बेटा इसमें और बीस क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी लिख लो और फ्री कंप्लीट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ठीक है आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बताओ बेटा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए लिख रहा हूं बान में यूरेनियम दो सौ अड़तीस बान में यूरेनियम दो सौ अड़तीस यहां से अल्फा कण गया तो यहां एक्स बचा और यहां से बीटा माइनस गया तो वाई इज इक्वल टू जेड ए क्लियर है तो बताइए वैल्यूज ऑफ जेड एंड ए जेड एंड ए की वैल्यूज क्या होंगी ऑप्शन ए बी सी या डी बाण में दो सो छत्तीस अट्ठासी दो सौ तीस दो सौ चौंतीस या नाइंटी वन टू तो थर्टी फोर जवाब तो आपको घर से देना ही पड़ेगा चलिए हम इसको देते हैं आपको होमवर्क के लिए आपको जवाब देना है क्लियर है आपको इसका जवाब घर से देना है बहुत अच्छा लगा आपने साथ दिया और बेटा इसे लगातार पढ़ते रहो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए प्रबल आपके लिए एक बहुत बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है क्लासेस दे रहा है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी क्लासेस दी जा रही हैं ठीक है तब तक आप अपना ध्यान रखें ख्याल रखें ओके स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली क्लास में जय हिंद हिंद जय